गई है तो मैं एक बात की वजाहत बहुत जरूरी समझता हूं। मैंने इसका एक साल से नाम नहीं लिया मिंबर पे, छोड़ दिया था अपने हाल पे, जाओ जो मर्जी करना है। लेकिन मोहतरम को सुकून नहीं मिल रहा, हर थोड़े दिन बाद ना मेरी तस्वीर लगा के कोई ना कोई क्लिप चला रहा होता है और गलत फहमियां फैला रहा है। अभी ये क्लिप बहुत वायरल हुआ है, पता नहीं उसका नाम क्या है, तकलीद। अभी इंजीनियर का एक क्लिप वायरल हुआ है तकलीद पर, पता नहीं कुछ जिस तरह का नया क्लिप आया, मेरी तस्वीर लगाई हुई है उसमें और मेरे मुनाजरे से ये लफ्ज कट किया है कि भाड़ में जाए मुफस्सरीन, ये लफ्ज दो तीन दफा रिपीट करके चलाया है। वो मुनाजरा नहीं था, वो एक वो क्या था वो मैं अभी बताता हूं। उससे लोगों में बहुत गलत, मेरा भी बहुत गलत इमेज गया और इंजीनियर को प्रोपेगेंडे करने का बहुत ज्यादा मौका भी मिला। मैं उसकी वजाहत जरूरी समझता हूं। ये जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, भाड़ में जाए मुफस्सरीन, किसी का इतना सा लफ्ज काट के चला देना ये बहुत बड़ी इल्मी खयानत है। इससे तो लोग समझ रहे हैं कि मैं मुफस्सरीन की जात बराए जात मेरा मकसद है, उनकी जात को की तौहीन करना। आप सियाक व सबाक देखें, हुआ ये है, ये मैं बार बार वजाहतें कर चुका हूँ लेकिन मैं ख़ास तौर पर ये बात इंजीनियर साहब तक पहुँचाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर इनमें थोड़े सा शऊर और अकल होगा ना, और इनके फॉलोवर्स में, तो ये समझ जाएंगे कि इस आदमी का मकसद सिवाय फितना फैलाने के और कुछ भी नहीं। बार बार ना बड़े मजे से नहीं, जैसे कोई चीज मिल जाती किसी को प्रोपेगेंडा करने के लिए, वाह भाई वाह, मुफ्ती तारिक मसूद ने बोल दिया भाड़ में जाए, अब तो दोबारा डबल चलाए उसको, क्या आप गौर से सुने क्या कह रहे हैं। जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, जो बात चल रही है उसको आप सामने रखें। बात यह चल रही थी, अहले हदीस आलिम सिद्दीक रिजा साहब को, वो मेरे पास आए, बहुत दिनों से कह रहे थे कि आप मुनाजरा करें, आप क्या करें तकलीद के मौजू पर मुनाजरा करें। ये मैं वजाहती बयान जारी कर चुका हूं लेकिन मैं वीडियो बयान स्पेशल इंजीनियर साहब के लिए और उनके फॉलोअर्स के लिए जारी कर रहा हूं। ये जो अब मैं बयान कर रहा हूं, अहले हदीस आलिम हाफिज सिद्दीक रिजा साहब, मैं उनको जानता भी नहीं था, मैंने नाम भी नहीं सुना था, बहुत अरसे से पीछे पड़े हुए थे किसी के जरिए कि मुफ्ती तारिक मसूद से कहो कि मेरे सामने बैठे और तकलीद के मौजू पर मुनाजरा करें। मैंने लोगों से पूछा, भाई ये कौन है, ऐसे ही तो कोई भी किसी के पास नहीं चला जाता। लोगों ने बताया, हाँ भाई इनके बड़े मशहूर मुनाजिर हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनसे पहले कहा मैं मुनाजरा नहीं करूँगा, आराम से बैठ के हम बात करते हैं, कोई भी गलत फहमी हो आपस में तो हम दूर कर लेते हैं, हो सकता है हमारा और आपका दावा सेम हो, खामखा में एक छोटे मोटे इख्तलाफ की बेस पे, तो हम बैठ के बात कर लेते हैं और ये मुझे आपकी बात सही लगी तो मैं आपकी बात मान लूंगा, इसमें ये मुनाजरे का लेबल ना लगाया जाए इसमें। तो और मैंने कहा इसके लिए जरूरी है कि पहले आप मुझे अपना दावा लिख के दें कि आपका दावा है क्या। तो उन्होंने अपना दावा जो लिख के दिया, वो दावा ये था कि कुरान और हदीस के खिलाफ किसी की तकलीद भी जायज नहीं है। तो मैंने कहा यार ये तो सेम दावा हो गया, ये तो हम भी यही कहते हैं, कुरान और हदीस के खिलाफ किसी की तकलीद जायज नहीं है, तो बहस किस बात पे होगी फिर। ये तो मैं पहले ही मान रहा हूं कि कुरान और हदीस के खिलाफ किसी की भी तकलीद जायज नहीं है, तो अब तो वो तो सेम बात हो गई ना, तो अब बहस किस बात पे करें। तो व्हाट्सएप पे ये हमारी कॉन्वर्जेशन चल रही थी, तो मैंने फिर उनको पैगाम भिजवाया कि देखें ऐसा कर लेते हैं, जो हमारे बहस होगी या मुनाजरा होगा वो बाद में होगा, मेरा सफर है, मुझे 10 दिन के लिए उलमा के साथ लंबे सफर पे जाना था। मैंने कहा अगर मेरा सफर भी है करीब में, तो जाहिर है जब इंसान मुनाजरा करता है प्रॉपर तरीके से, जिसको उर्फ में मुनाजरा कहा जाता है, तो किताबें लेके बैठता है और हवाले पूरे रिटर्न लिखकर आता है, क्योंकि मुनाजरे में तो हवाई बात नहीं चलती ना, तो प्रॉपर तरीके से मुनाजरा, जो भी बहस कह लें डिस्कशन कह लें, वो बाद में होगी। आप एक दफ़ा मेरे पास आके बैठ जाएं, जो आप चाहते हैं, तो उसमें सिर्फ मुझे ये बता दें कि आपकी नज़र में तकलीद का तसव्वुर क्या है, आपकी नज़र में, मुफस्सरीन की नज़र में नहीं, मुफस्सरीन ने किताबों में क्या लिखा फला किताब, वो तो बाद की बात है ना, आपका तकलीद के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है ये, और हलाल है हराम है, जायज़ है नाजायज़ है, ये आप एक दफ़ा बैठ के, हम भाई बंदी में, लड़ाई का मूड नहीं होगा हमारा, भाई बंदी में बैठ के हम डिस्कशन करेंगे
इसको रिटर्न फॉर्म में लेकर आ जाएंगे ताकि हमें पता चले कि बात अगली जब हमारी बहस होगी तो वो शुरू कहां से होगी। ये तय हुआ, ये व्हाट्सएप पे ऑडियो भी मौजूद है और इस पे गवाह भी मौजूद है, ये तय हुआ था। वो आए और मैंने कहा आप अपने साथ बेशक जितने चाहे अफराद ले आए, तो वो अपने साथ 15-20 अफराद लेकर आ गए जो भी अहले हदीस थे उनके। जब वो आए हैं तो उन्होंने कहा आप अपना कैमरा भी लगा ले, मैंने कहा जरूरत नहीं है कैमरे की मुझे, कोई हम कोई डिबेट थोड़ी कर रहे हैं, बहस थोड़ी कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है मुझे कैमरा लगाने की। तो अभी तो हम सिर्फ तय करेंगे कि आपकी राय मुझे पता तो चल जाए आपका दावा क्या है। तो वो मोहतरम बैठे, उन्होंने अपना दावा ये बयान किया, ये रिकॉर्डेड मौजूद है उन्हीं के मोबाइल उन्हीं के चैनल पे अपलोड हुआ है। उन्होंने ये दावा किया कि तकलीद कहते हैं बगैर दलील के किसी के को फॉलो करना। मैंने कहा अच्छा, आपने कहा कि तकलीद कहते हैं बगैर दलील किसी को फॉलो करना, तो मैंने कहा ये हलाल है हराम है? उन्होंने कहा टोटली हराम है। तो मैंने उनसे कहा कि हमें मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में सहाबा के बहुत से फतावा ऐसे मिलते हैं कि ताबिई सहाबी के पास आए, मसला पूछा, ना सहाबी ने दलील दी ना ताबिई ने दलील पूछी, महज एतमाद की बुनियाद पर उन्होंने उनकी राय पर अमल किया और चले गए। तो आप तो कह रहे हो कि बगैर दलील के जब भी किसी से कोई बात पूछी जाए तो वो हराम है, तो ये क्या हुआ फिर? तो मेरा मकसद उनको नीचा दिखाना नहीं था, उनको शिकस्त दे के पटखना नहीं था, मेरा मकसद था कि आप अपनी इस डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंजिंग करें, आप तब्दीली करें, इसमें कुछ अल्फाज का इजाफा करें कि भाई या तो ये कहें कि अगर सहाबी की तकलीद हो तो जायज़ है क्योंकि वो नबी की सोहबत उन्होंने उठाई है, या तो ये कहें या तकलीद की डेफिनेशन में चेंजिंग करें। तो अल्लाह की कसम मेरा मकसद ना उनको नीचा दिखाना ना उनसे मुनाजरा करना, मेरा मकसद था इस बहस में हम एक राय लिख लेते हैं कि तकलीद की आपकी नज़र में डेफिनेशन क्या है ताकि फिर उससे कोई फिरे नहीं, और जब आप लिखेंगे तो मैं भी लिख दूंगा कि मेरी राय क्या है इस बारे में, फिर हम डिस्कशन के लिए अगला टाइम होगा। तो जब मैंने उनसे यह सवाल किया तो उन्होंने बात को घुमा दिया, उन्होंने कहा आपके मौलाना सरफराज खान सफदर साहब ने भी ये लिखा है, फला मुफस्सिर ने ये लिखा है तकलीद की तारीफ। मैं उनसे कह रहा हूं भाई मुझे मुफस्सिरीन से क्या वास्ता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी नजर में क्या है, हवाले तो बाद में आएंगे, किताबें तो बाद में आएंगी, ये बहस हमारी चल रही है लेकिन वो उस बात पे कायम नहीं हो रहे, वो बार बार मुफस्सिरीन के हवाले दे रहे हैं। ऐसे मौके पे मेरा ये कहना बाहर में जाए मुफस्सिरीन, दुनिया में पागल से पागल आदमी भी समझता है कि इस कलाम का इस मौके पर मकसद मुफस्सिरीन की तौहीन नहीं है, यानी बाहर में जाए मुफस्सिरीन का मतलब उनके हवाले बाहर में जाए। फिर भी मेरे ये अल्फाज चूंकि बज़ाहिर नाज़ेबा थे, इस पर मैंने हाफिज सिद्दीक रिजा साहब से भी माजरत की और उलमा से भी माजरत की कि भाई ये अल्फाज अगरचे मेरी नीयत तौहीन की नहीं है, ना सियाक व सबाक से लगता है कि तौहीन हो रही है, लेकिन अल्फाज बहरहाल नामुनासिब, और गुस्सा मुझे इन्होंने दिलाया कि मेरा टाइम बर्बाद किया, मेरा कल सफर है, मैं सारा दिन का थका हुआ हूं, आप इस काम के लिए मेरे सामने आके बैठे हो फजूल टाइम वेस्टिंग के लिए, और आपने उसको दूसरा जुर्म यह किया कि मुनाजरे का नाम देके अपने चैनल पर आपने उसको अपलोड, लोग तो उसको मुनाजरा समझ रहे हैं, लोग कह रहे हैं अगला तफसीर की किताबों के हवाले दे रहा है और मुफ्ती साहब कोई हवाला नहीं दे रहे, ये तो आप सियासत से काम ले रहे हो, चलाकी से काम ले रहे हो, उसको मुनाजरे का नाम क्यों दिया आपने। और एक और खयानत जनाब ने ये की है कि मैंने हाफिज सिद्दीक रिजा साहब, अभी भी मैं एहतराम करता हूं, मेरा मकसद ये नहीं है कि अब देवबंदी अहले हदीस में एक नई जंग छिड़ जाए इस बहस के बाद, लेकिन वजाहत तो जरूरी है ना। मैंने मोहतरम से ये भी कहा कि हमारी डिबेट जो भी थी बड़े आराम से खत्म हुई, मुझे था कि ये नहीं उस पॉइंट पर नहीं आ रहे, जाहिर है जब पॉइंट पर नहीं आता आदमी फिर शादियों की बातें शुरू कर देता है, मेरे पास तो फिर अच्छा पॉइंट है, मैं फिर आखिर में आ गए, मैंने कहा दो दो शादियां करें, क्या रखा है इन बहसों में, चार चार शादियां करें, ऐसे में आ गए इस पर, ताकि यार ये लड़ाई कम से कम सीन बोझ तो ना हो ना, जब उठे तो लड़ाई तो ना हो। उस पर मैंने उनसे ये बात कही कि मैंने कहा जनाब ये जो लफ्ज है ना कि भाड़ में जाए मुफस्सिरीन, अवाम इसके छोटे छोटे क्लिप बना के मेरे खिलाफ वायरल करेगी, और मुझे पता था सबसे पहले यह काम इंजीनियर करेगा क्योंकि उसके पास एक जैसे बच्चों को झुंझुना मिल जाए ना कितना खुशी से उछलते हैं, मुझे पता था सबसे पहले इसमें से कटिंग कौन करेगा, इंजीनियर अली मिर्जा, वो कहेगा देखो उलमा की जबान देखो, हालांकि खुद सुबह शाम क्या उसकी जबान है और क्या अल्फाज कितना लहजा शाइस्ता है वो दुनिया को पता है। तो मैंने हाफिज सिद्दीक रिजा साहब से अर्ज किया उनकी खिदमत में कि हजरत आपसे गुजारिश है कि हमारी भाई बंदी में एक बहस हुई है, आप इस लफ्ज को क्या कर दें,
डिलीट कर दें, मगर उन्होंने भी जितने चैनलों पे अपलोड, उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं इसको हटाऊंगा और मैं आपके दिफा में पीछे खड़ा हुआ हूं, लेकिन जिस चैनल से भी उन्होंने अपलोड किया उनका कहना था ये अभी लाइव गया है, हालांकि लाइव की हमने इजाजत नहीं दी थी। चलो लाइव चला गया, बाद में आप जितने चैनलों पे अपलोड कर रहे हैं वो अल्फाज आपने उसमें शामिल किए हुए। मैंने उनसे कहा कि ये अल्फाज, ये लोग इसका गलत मतलब लेंगे और ये मेरे गलत अल्फाज हैं, मैं उस पर अपनी दिफा नहीं कर रहा, मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे और मेरा मकसद आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मुफस्सिरीन की तौहीन नहीं है, क्योंकि जिस सियाक व सबाक में कहा है वो उसको आप देखें तो साफ पता चल जाएगा मुफस्सिरीन की तौहीन मकसद नहीं है, लेकिन अल्फाज फिर भी नाजेब आए। तो मैंने कहा किसी निजी महफिल में इंसान से ऐसी गलती होती है, आप इसको क्या कर दिएगा, कट कर दिए। उन्होंने मुझसे वादा किया कि आप बेफिक्र रहें, लेकिन हाफिज़ सिद्दीक रिजा साहब से इंतहाई एहतराम के बावजूद उन्होंने तबीयत से जितने चैनलों पर भी अपलोड किया इन अल्फाज को उन्होंने अपलोड किया है, हालांकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ये वजाहती बयान भी ना देता, लेकिन जिस तरह से उसको चलाया गया है ना, तो मुझे फिर अगर मैं ना दूं तो ये मेरी बदनामी नहीं है, एक उलमा की पूरी एक जमात इसके पीछे बदनाम हो रही है और उनकी तरफ से मुझे ताने मिल रहे हैं सुनने को। इंजीनियर साहब ने वही काम किया जो उनकी आदत थी, उन्होंने फौरन भाड़ में जाए मुफस्सिरीन के अल्फाज कट करके बार बार रिपीट करके उसको चलाया है कि देखो ये क्या कर रहे हैं, तो हम हालांकि पूरी तफसील आप देखो। दूसरी खयानत क्या की है मोहतरम ने, मैं आइमाए अरबा की तकलीद के दलाइल नहीं दे रहा था उसके लिप में, मैं हाफिज सिद्दीक रिजा साहब ने जो दावा किया था ना, दावा यह किया था कि किसी की भी तकलीद जायज नहीं है, बगैर दलील के किसी की बात मानना जायज नहीं है। उस पर मैंने इश्काल किया कि ताबईन ने सहाबा के फतवों पर अमल किया और उनसे दलील नहीं पूछी, तो समझने के लिए उनके दावे को मैं निखार पैदा करने के लिए बार बार मैं कह रहा था मैं आपके दावे में तनकीह पैदा कर रहा हूं, मुनक्का कर रहा हूं, मुनक्का का मतलब होता है उसको क्लियर कर रहा हूं, आप इसको मुनाजरे का रुख ना दें, मैं चाहता हूं कि समझूं कि आपका असल मकसद क्या है, असल दावा क्या है। उस पर मैंने ये दलील दी थी कि ताबईन ने सहाबा के फतवों को फॉलो किया है आंख बंद करके, बहुत से फतवे ऐसे मिलते हैं, सहाबी से दलील नहीं मांगी, बस उन्होंने फतवा दे दिया, उन्होंने अमल किया, इसको आप भी मानते हैं मैं भी मानता हूं। तो इंजीनियर ने इस पर फौरन क्लिप बना दिया कि असल में उस वक्त ताबईन ने सहाबी के फतवे को बगैर दलील के इसलिए फॉलो किया कि उस वक्त देवबंदी बरेलवी हनफी शाफी मालिकी वजूद में बोलो नहीं आए। अब आप कहां की बात कहां लगा रहे हो, तो ये जो महल्ले में कुछ फसादी औरतें होती हैं ना, हर महल्ले में होती हैं, मैं नहीं कह रहा सारी औरतें फसादी होती हैं, लेकिन कुछ क्या होती हैं फसादी, घरों में भी आग लगाती हैं, सास को बहू के खिलाफ, बहू को सास के खिलाफ, सास का कलाम बहू के सामने एडिटिंग करके नकल करेंगी, ठीक है ना, मियां बीवी को आपस में लड़वाएंगी, ये फसादी औरतें होती हैं, जो शौहर ने कुछ बोला हो तो उसको एडिट करके बीवी को कुछ बता दिया, पूरी बात नकल नहीं की, और हर बात नकल करने की होती भी नहीं, अगर गलत भी है तो हाईलाइट क्यों कर रहे हो भाई, तुम आप हाईलाइट क्यों, उसको उछाल क्यों रहे हो पूरी दुनिया के सामने। आपको पता है कि एक निजी महफिल है, उसमें एक इंसान ने कह दिया और उसने गलती का एतराफ भी कर लिया, छोड़ो मिट्टी डालो उस पर, तो लेकिन वही काम किया जिसकी मोहतरम से तवक्को थी, और उनके फॉलोवर्स भी माशाल्लाह अंधे मुकल्लिद हैं, वो भी दबा के कमेंट्स कर रहे हैं, वाह 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 जिंदाबाद मजा आ गया, मुफ्ती तारिक की ये कर दिया, मुफ्ती तारिक ये कर दिया, ओ भाई आप कि इन चीज़ों से हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, आप अपने आप को दुनिया के सामने बदनाम कर रहे हैं। हाफिज़ रिजा सिद्दीक साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, अब भी वो आके बैठे थे, अगर वो अपने दावे पे कायम रहते, लिख के चले जाते, कहते मुफ्ती साहब ठीक है अभी तो मैंने जल्दबाजी में एक दावा लिखवा दिया, मेरे जहन में भी पूरी बात नहीं थी, मैं अपने उलमा से मशवरा करता हूँ, पूरा रिटर्न में एक तमीज़ से एक दावा लिख कर आता हूँ जिस पे मा लहू अमा अलैहा का मैं जिम्मेदार हूँ, तो मैं उनको मोहलत देता, मैं ये नहीं कहता अब देखो आए थे बड़े दावे करके और अब क्या कर, मेरा ये तरीका नहीं, मैं कहता कोई बात नहीं भाई समझने के लिए बैठे, और इतनी बड़ी बात मैंने उनके मुंह पे कह दी, मैं भाई अहले हदीस को जहन्नम ही नहीं समझता, मुनाजिर थोड़ी ये बात करता है, लेकिन वही है कि क्या कह सकते हैं, फिर एक नई जंग छिड़ जाएगी, फिर उनका बयान आएगा वजाहती, ठीक है ना, मैं इधर से बयान करूँ उधर से बयान, लोग कहेंगे भाई रमज़ान में ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तो अलबादी अजलम
جو شروع کرتا ہے نا پہل کرتا ہے فساد کی, وہ اصل میں ظالم ہوتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ دو مولوی لڑ رہے ہیں آپس میں, دونوں کو برا کہتے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے پہلے ایک نے لڑائی شروع کی ہو, دوسرا اپنے دفاع میں لڑ رہا ہو. تو امت اجماعی مسائل قائم ہو چکے تھے, امت میں یہ فروعی اختلافی مسائل ختم ہو چکے تھے. جن لوگوں نے ان مسائل کو دوبارہ سے شروع کیا ہے وہ حالات بگاڑنے کے ذمہ دار ہیں, جو دفاع کر رہے ہیں وہ حالات بگاڑنے کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو میں بات کو دوبارہ جہاں سے چھوڑی تھی وہیں لے کر آتا ہوں. بات کیا چل رہی تھی کہ جو بھی اس وقت جمہور کے پوری امت کے خلاف جاتا ہے نا, چورن مارکیٹ میں اس کا بکتا ہے, مگر عوام میں بکتا ہے, پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں بکتا. سمجھتے ہو؟ کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی ڈاکٹر نے اپنا چورن بیچنا ہو, کسی حکیم نے چورن بیچنا ہو, کسی مولانا نے, کسی اسکالر نے, تو چورن بیچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پوری امت ایک طرف اور آپ اپنی نئی ریسرچ مارکیٹ میں لے کر آئیں اور پھر یہ دعویٰ کریں میں کسی کو نہیں مانتا, میں صرف کس کو مانتا ہوں؟ قرآن و حدیث کو. یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے. اور ان لوگوں میں, اہل باطل میں, ایک بہت بڑی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی ایک اصول پر جمتے نہیں ہیں, یہ اپنے اصولوں کو توڑتے ہیں. یہ ہر دو دن بعد ان کے اپنے اصول بولو ٹوٹ رہے ہیں. انجینئر صاحب اگر یہ کہتے, ادھر توجہ رکھیں, انجینئر صاحب اگر یہ کہتے کہ سارے علماء برحق ہیں, کچھ ان میں غلط بھی ہیں, تو مشہور ہوتے ہے بھائی؟ شہرت نہیں ہونی تھی. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو علماء کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ حنفی بھی ٹھیک ہیں, مالکیہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں, شوافے بھی ٹھیک ہوتے ہیں, حنابلہ بھی ٹھیک, صدیوں سے تو یہ چاروں مکاتب فکر چلے آ رہے ہیں, تو یہ سب ٹھیک ہیں. فروعی اختلاف ہے, ہر ایک کے پاس دلائل ہوتے ہیں. اگر ان کے پاس دلائل ہیں تو دلائل ان کے پاس بھی ہیں, تو کسی ایک کو بھی فالو کر لو گے جنت میں چلے جاؤ گے. تو چورن بکتا مارکیٹ میں؟ بولو نہیں بکتا. چورن جب بھی بکے گا جب حنفی غلط, یہ الو بنا رہے ہیں لوگوں کو, شافی غلط, مالکیہ غلط. اگر وہ کہتے چاروں فقہ کا اجماع ہے کہ تراوی کی 20 رکعتیں ہیں, اور وہ جو بخاری کی حدیث ہے جس میں 8 رکعت کا ذکر ہے, اس میں تو رمضان اور غیر رمضان برابر ہے, اور بخاری ہی میں دوسری حدیث ہے کہ نبی رمضان میں جتنی عبادت کیا کرتے تھے غیر رمضان میں اتنی نہیں. حضرت عائشہ کی حدیث ہے, یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیر, رمضان میں اضافہ ہوتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 رکعتوں والی جو حدیث ہے وہ بھی مضطرب ہے, اس کے اگینسٹ بخاری ہی میں دوسری حدیث موجود ہے کہ رمضان میں اضافہ ہوتا تھا, 8 پر اضافہ ہوتا تھا. کیونکہ 8 پر اضافہ اگر قراءت کے لحاظ سے ہوتا کہ رکعتیں لمبی, تو وہ تو 8 پہلے ہی آلریڈی بہت لمبی ہوتی تھیں. تو پتہ چلتا ہے رمضان میں رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ جایا کرتے. اگر یہ بات کرتے تو چاروں امام کر رہے ہیں, تو چورن بکتا مارکیٹ میں؟ کہتے بھائی یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے. اچھا میں ایک بات آپ سے یہ عرض کروں کہ لوگ انجینئر صاحب جب دلائل دیتے ہیں نا, تو میری تصویر لگا کے کہ مفتی طارق مسعود کے دلائل کا جواب, اس سے ان کی چورن بہت تمیز سے بکتا ہے, اس کے بغیر چورن بکتا نہیں ہے. حالانکہ اس کو یہ چاہیے کہ چاروں اماموں کی تصویر لگائے, کیونکہ 20 رکعت تراوی چاروں اماموں کا مذہب ہے, میرا مذہب نہیں ہے. اگر وہ حق پرست ہوتا تو وہ کہتا چاروں اماموں کے دلائل کے خلاف میں کلپ دے رہا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ چار امام کہتے ہیں کہ کم سے کم 20 رکعت ہے تراویح, اور میں کہتا ہوں 8 رکعت یا کوئی رکعت متعین نہیں ہے اس کی, یہ انجینئر کا یہ دعویٰ ہے نا. تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ میرے خلاف کلپ نہ بنائے, وہ تصویر کس کی لگائے؟ چاروں اماموں کی. اگر اس کو تصویریں نہیں ملتی ان کی, تو ان کے نام لکھے, انجینئر ورسز چاروں مجتہدین. لیکن اس طرح مارکیٹ میں چورن بکے گا نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو میں جو 20 رکعت تراویح کے دلائل دیتا ہوں, اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کے لیے نہیں, ان چار مجتہدین کو برحق ثابت کرنے کے لیے جن کو 99.99% امت نے فالو کیا ہے. تو آپ 99.99% اہل سنت والجماعت کو غلط قرار دے رہے ہو, چار بڑے بڑے مجتہدین کو غلط قرار دے رہے ہو,
اور 15ویں صدی کے ایک شخص کو آپ صحیح قرار دے رہے ہو کہ اس نے قرآن و حدیث ان سے زیادہ اچھا سمجھا، تو آپ حقیقت میں میرے خلاف کلپ نہیں بنا رہے ہیں، نہ مجھے اس پہ کوئی غصہ آتا ہے. آپ کلپ کس کے خلاف بنا رہے ہو؟ چاروں مجتہدین کے خلاف کلپ بنا رہے ہو، محدثین کے خلاف کلپ بنا رہے ہو، ان تمام صحابہ کے خلاف کلپ بنا رہے ہو، تابعین کے خلاف کلپ بنا رہے ہو جن سے ایک ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی 8 رکعت تراوی پڑھی ہو، ان کے خلاف کلپ بنا رہے ہو آپ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو جو مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں انجینئر صاحب وہ تراوی کے معاملے میں اور جتنے دلائل کے معاملے میں، وہ میرا مذہب نہیں ہے، وہ کس کا مذہب ہے؟ اہل سنت والجماعت کا، چاروں فقہا کا مذہب ہے وہ. تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ انجینئر ورسز چاروں امام، بلکہ انجینئر ورسز 99% امت. سمجھ میں آ رہی ہے تمام؟ تو یہ ہونا چاہیے تھا. اور میں جو دفاع کر رہا ہوں اپنا نہیں، پوری امت کا، پوری امت. صدیوں تک پوری امت 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم پڑتی نہیں. سعودی عرب میں اب شروع ہوئی 8 رکعتیں، 100 سال پہلے کا سعودی عرب اٹھا کے دیکھو کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی 8 رکعت، یہ تو اب شروع ہوئی ہے. اب کے سعودیہ کو لیتے ہو یا امام مالک امام شافی کے سعودیہ کو لیتے ہو؟ امام شافی تو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ہمیں مکہ میں 20 رکعت سے کم تراوی پڑھنے والا کوئی بھی نظر نہیں آیا. وہ تو اپنے دور کا مکہ بیان کر رہے ہیں.